हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल होमियो क्लिनिक एट होम आज हम लोग ये जानेंगे कि हम इस मुंह में खाना अनेक तरह के खाते हैं स्वाद भी अनेक तरह का होता है लेकिन अगर इसमें कोई डिजीज हो जाए और उससे आपका स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चला जाए तो इसके से कष्टप्रद कोई और चीज़ नहीं हो सकता तो अब आप समझ गए होंगे कि आज हम जिस बीमारी के बारे में जानेंगे उस बीमारी का नाम है स्टोमेटाइटिस यानी मुंह का छाला या मुँह आना इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर आइकन दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द माउथ यह हुआ स्टोमेटाइटिस की परिभाषा यानी मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन हो जाना यानी मुख में छाला हो जाना ही स्टोमेटाइटिस कहा जाता है अब हम जानेंगे कि ये स्टोमेटाइटिस होता कितने तरह का है तो इसके सिक्स वेराइटी हैं पहला है सिंपल दूसरा है एफ्थस तीसरा है अल्सरेटिव चौथा है पारासिस्टिक, पांचवा है गैंग्रीनस। और छठा है वैसी कूलर तो ये छह वैरायटी हैं स्टोमेटाइटिस के अब हम जानेंगे कि इसके होने का कारण क्या है अगर हम बहुत गर्म खाना खा लें तो इससे भी मुंह में छाले पड़ सकते हैं दूसरा है ओवर स्मोकिंग अगर ज़्यादा हम सिगरेट बीड़ी ऐसे कई का, मादक चीज़ पीते हैं तो इससे भी स्टोमेटाइटिस पैदा हो सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस इसके कारण भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है क्योंकि हमारे पेट में गर्मी पैदा कर और उससे स्टोमेटाइटिस हो जाता है इन्फेक्शन एक कारण ये भी है अगर किसी को स्टोमेटाइटिस है और उसके जूठन अगर हम खा लें तो उससे इन्फेक्शन पैदा होकर हमें भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है ल्यूकेमिया नामक बीमारी वालों को भी अक्सर स्टोमेटाइटिस हो जाने का खतरा बना रहता है डिसेंट्री यानी या आव पड़ना भी इसके अन्य कारणों में से एक है इससे पेट काफ़ी गर्मी पैदा हो जाता है और उसके कारण मुंह आ जाते हैं यानी स्टोमेटाइटिस हो जाता है स्टोमिक डिसऑर्डर अगर पेट खराब हो जाए डिसऑर्डर हो जाए तो इससे भी मुंह आने का खतरा बना रहता है और अक्सर स्टोमेटाइटिस हो जाता है मिजिल्स हो जाने के कारण भी स्टोमेटाइटिस हो जाता है बुखार हुपिंग कफ इन बीमारियों के बाद भी आपको अक्सर मुंह आ जाता है यानी कुछ विटामिन्स के कमी के कारण भी ये स्टोमेटाइटिस पैदा हो जाता है एक अन्य प्रमुख कारणों में है हर हो जाना मुंह में इससे भी स्टोमेटाइटिस इस के तरह ही सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं तो ये थे स्टोमेटाइटिस होने के कारण अब हम जानेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिन इसके प्रमुख दवाइयों में मर्कसोल इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ सिंपल स्टोमेटाइटिस इसमें जीव के आगे वाले भाग लाल होते हैं पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में लालिमा होती है और इसमें हल्का जलन होता है और दर्द भी होता है तो आप मर्कसोल 200 हंड्रेड दो सौ पोटेंसी में हर दो दिन बीच करके दो बूंद की मात्रा में लें इससे लाभ अवश्य मिलेगा एफथस एक वैरायटी है एस्टोमेटाइटिस का तो इसकी द बेस्ट मेडिसिन है बोरेक्स 200 हंड्रेड मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल सफ़ेद छाले पड़ जाएं जीप पर सफ़ेद दाग हो तो आप बोरेक्स 200, 200 पोटेंसी में दो दिन बीच करके सुबह खाली पेट में लें ये भी अत्यंत लाभकारी है अगर मुंह में अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस हो तो सल्फर 200 सप्ताह में एक बार दो बुन की मात्रा में लें ये निश्चित फ़ायदा करेगा ही अगर गैंग्रीनस एस्टोमेटाइटिस हो तो सल्फ्यूरिक एसिड 200 पोटेंसी में हर दो दिन बीच करके सुबह खाली पेट में लें इससे निश्चित फ़ायदा होगा अगली एक दवा है जो बेलाडोना इसमें पूरे मुंह अंदर म्यूकस मेम्रेन लाल हो जाते हैं काफ़ी दर्द रहता है और हल्का जलन होता है तो आप बेलाडोना दो सौ पोटेंसी में हर दो दिन बीच करके सुबह खाली पेट में लें यह लाभकारी औषधि है अगर एस्टोमिक डिसऑर्डर या कॉन्स्टिपेशन के कारण आपका मुंह आ रहा हो यानी स्टोमेटाइटिस हो गया हो और पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल इन्फ्लेम्ड हो तो आप हेड्रेस्टिस मदर टिंचर दस दस बूंद दो बार की मात्रा में पानी में डालकर रोज लें इससे निश्चित फ़ायदा होगा तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर कोई और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें धन्यवाद